नमस्कार, नेहा की रसोई के खाने में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं खील के कटलेट। दिवाली जा चुकी है, दिवाली के पूजन में हम खील का इस्तेमाल करते हैं, बस उसी बची हुई खील से आज हम कटलेट बनाने जा रहे हैं। एक बढ़िया सा नाश्ता बनकर जो तैयार हो जाएगा, तो चलिए बनाते हैं खील के कटलेट। ये देखिए कटलेट की सामग्री। ये मैंने 2 कटोरी खील लिया है, 2 आलू इसको मैंने कस लिया है घिया कस में, और ये 2 ब्रेड की स्लाइस जिसको मैंने ब्रेड क्रम तैयार कर लिया है, 1 हरी मिर्च ली है और छोटा सा टुकड़ा अदरक का इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, और हरा धनिया। तो चलिए बनाते हैं कटलेट। तो सबसे पहले हम खील में पानी डाल के सॉफ्ट करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से डिप करके 2 मिनट के लिए हम सॉफ्ट करने के लिए रखेंगे। देखिए खील हमारी नीचे बैठ गई है और ये सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको दूसरे बाउल में कपड़े की मदद से छानेंगे। इसको हम निचोड़ लेंगे ताकि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए, इस तरह से। ये देखिए अच्छे से निचड़ गया है। अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आलू। ये हम ब्रेड क्रम डाल रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया, और इसमें डालेंगे हम अदरक। इसमें डालेंगे हम नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। हाफ टी स्पून डालेंगे मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, धनिया पाउडर, हाफ चम्मच चाट मसाला। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए अब अच्छे से डो तैयार हो गया है मिक्स होके। अब इसको हम आप या तो गोल बना सकते हैं या कोई भी शेप दे सकते हैं, या इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लेती हूँ कटलेट की शेप में। ये देखिए सारे कटलेट बनकर तैयार हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हम फ्राई करने के लिए डाल रहे हैं। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ये थोड़े से बबल्स कम हो जाएं तब इसको पलटना है। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए खीर के कटलेट तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।